में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं Digitech का 3X गिम्बल। तो वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर बताना, ये हम लोग का पहला रिव्यू, अगर कुछ गलती हो तो भी बताना। तो ये है वो प्रोडक्ट Digitech का 3X गिम्बल, तो इसका हम लोग रिव्यू करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है Digitech का 3X गिम्बल। स्टेबलाइजर्स में तीन मोटर्स होंगे जैसा शॉपकीपर ने कहा था, तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। बॉक्सिंग पैकेजिंग काफी अच्छा है, मतलब एकदम रिच वाली फीलिंग आती है पकड़ के। चलिए खोलते हैं, ये देखिए, वाव, अंदर भी एक और बॉक्स है, डबल बॉक्स पैकेजिंग दिया है इन लोगों ने, काफी अच्छा था। चलिए अभी अंदर क्या होगा गाइस, आर यू रेडी? ये देखिए, अच्छा है यार, मतलब काफी सही है। तो स्टैंड भी है इसमें, हम लोग ट्राइपॉड स्टैंड भी कर सकते हैं, और ये चार्जिंग का केबल है शायद। हाँ, अंदर एक यूजर मैनुअल भी है। ओके, पहले तो वार्निंग देख लीजिए, डू नॉट स्विच ऑन द गिम्बल विदाउट मैनुअल बैलेंसिंग, इट मे लीड टू मोटर डैमेज। ओके, फॉर मैनुअल बैलेंसिंग प्लीज सी द डिस्क्रिप्शन इनसाइड द बॉक्स और स्कैन द QR कोड अबव। ओके, इम्पोर्टेंट नोटिस, प्लीज ऑपरेट गिम्बल एज पर द फॉलोइंग ऑर्डर, इंस्टॉल बैलेंस। ओके, सो गाइज, आप कभी भी अगर कुछ नया प्रोडक्ट लेते हो तो उसका बिना इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़े प्लीज ऑपरेट ना करें, क्योंकि हो सकता है प्रोडक्ट में कुछ डैमेज आ जाए, हमें पता नहीं होता ना नया प्रोडक्ट के बारे में, इसीलिए। ओके, तो हम लोग मैनुअल पढ़ेंगे, उसके पहले खोल के देखते हैं अंदर कैसा है, इसको साइड में रखते हैं अभी के लिए। सो गाइस, आर यू रेडी गाइस? चलो अंदर देखते हैं। प्राइस में इतना अच्छा गिम्बल होगा, तो गाइस ये है उस बॉक्स के अंदर प्रोडक्ट, हमारा गिम्बल। इसको तो पहले, हाँ अब रहा, पहले इसको बैलेंस करना पड़ेगा भाई मोबाइल से, और हाँ इधर नॉब दिया है, इधर से हम बैलेंस कर पाएंगे, वेट बैलेंस। ओके, तो ऑन करने के पहले पहले मैनुअल पढ़ लेते हैं हम, और बाकी चीजें देख लेते हैं। ओके, तो ये रहा बॉक्स, बॉक्स काफी मस्त है यार, हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं, और काफी मजबूत लग रहा है बॉक्स, मुझे काफी मजबूत है। और इसके साथ दो हुक्स भी दिए हैं जिसमें हम लोग ये स्ट्रैप लगाएंगे, इसे खोलते हैं। काफी लंबा स्ट्रैप है, हम लोग होल्ड कर सकते हैं, बैक पे होल्ड कर सकते हैं, काफी लंबा स्ट्रैप है, हम लोग लगा देखे, चेक करते हैं लगा के एक बार। ओके, स्टैंड हम लोग यहाँ नीचे लगाएंगे, हाँ ट्राइपॉड भी बन सकता है ये, इसका हमें फायदा कब होगा, अगर हमारे साथ कैमरामैन हमारा नहीं जाता है तो हम लोग अकेले भी शूट कर सकते हैं ब्लॉग्स को, स्टैंड करके हम अकेले भी शूट कर सकते हैं, काफी सही लगा। और इसमें लिखा हुआ था इसमें ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग भी है, मतलब ये हमारा फेस ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर सकता है, और हम जिधर जाएंगे ये उधर मूव करेगा, तो उसके लिए तो भाई बहुत अच्छा है। ये स्टैंड दिया इन लोगों ने ताकि होल्ड करना ना पड़े, काफी सही है, अभी इसे ऑपरेट करके हम लोग देखेंगे। ओके, पहले इसके पहले मैं यूजर मैनुअल पढ़ लेता हूँ, ठीक है? इसमें पहले वार्निंग दिया है भाई, जिसमें इसमें दिया वार्निंग, इसमें कि बिना बैलेंस के ना खोले, तो सेफ्टी इसमें काफी सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट है। इसमें ऊपर वहाँ पे हम लोग फोन रखेंगे, इधर माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, इधर चार्ज करेंगे, और खास बात ये कि आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, ये गिम्बल को चार्ज करने के लिए इधर से हम लोग मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, तो मतलब काफी पावरफुल है, अगर कभी किसी वक्त छूट करते मोबाइल खत्म हो गया तो हम लोग इससे भी चार्ज कर सकते हैं। पावर ऑन बटन ये रेड वाला, उसके बाद ये जॉयस्टिक है, ये मोड बटन है, और ये शटर बटन है, शटर बटन से हम जूमिंग कर सकते हैं, ये देखिए ऊपर और नीचे, और पीछे कॉल बटन है, मेन कैमरा बटन है, ये सब भी छोटे छोटे मेन ये भी ऑपरेट करके देख लेंगे, तो इसमें भी तीन एक्सेस है। ओके, नीचे फेस टू के लिए, स्कैन के लिए, कौन सा बटन क्या काम करता है, दिया हुआ पावर बटन, इंडिकेटर, लाइट बटन, माइक्रो, स्टेटस बैंड। तो भाई अगर आप पहली बार यूज कर रहे हो तो बिना इससे पढ़े मत यूज करो, मैं तो बता ही दूंगा, फिर भी एक बार आप खुद से ही पढ़ लेना। ओके, तो मैं भी पढ़ लेता हूँ। ओके, प्ले स्टोर में गिम्बल प्रो डाउनलोड करेंगे, गिम्बल प्रो इसको चलाने के लिए आपको ये ऐप चाहिए, आप अगर स्कैन नहीं करोगे तो स्कैन ना करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट गिम्बल प्रो मार दो तो आ जाएगा। इंस्टॉल पे लगाया अभी हमने,
और DJI का भी काफी अच्छा आता है भाई गिम्बल, इसका भी ऐप है 263 MB, बाप रे, चलो चलो काफी स्पीड है हमारा इधर का नेट, 87 MB का है ये वैसे ऐप, 40% हो गया और 50%। इसको चलाने के लिए भाई ये ऐप बहुत जरूरी है, सारा फंक्शन तभी आप कंट्रोल कर पाओगे। ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होता है गिम्बल से, अभी हम लोग कनेक्ट करके दिखाएंगे और सारा फंक्शंस मैं दिखाऊंगा, तो वीडियो को स्किप नहीं करना वरना काफी फंक्शन और सेटिंग्स आप मिस कर दोगे तो फिर हो सकता है आपका प्रोडक्ट डैमेज हो जाए, तो बिना स्किप करे देखो। हो गया डाउनलोड, स्टॉलिंग हो रहा है। काफी सही है यार, काफी अबाउट 500 ग्राम या 400 ग्राम के आसपास होगा, उस पे लिखा था कितना, 499, इस पे लिखा था ग्राम्स 400 ग्राम ना 500 ग्राम लिखा था। वैसे इसका MRP है भाई 10,000 के आसपास, ओके इसका MRP है, MRP आपको 10,000 के आसपास था पर मुझे ये 10,995, ओके पर ये मुझे मिला है बस 5,500 में, वो भी मेरे लोकल स्टोर से, Amazon पे भी अवेलेबल है, Amazon पे भी 5,500 में आपको मिल जाएगा। ओके ये इंस्टॉल हो चुका है, अभी हम लोग ओपन करेंगे तो ये देखो, लेट स्टार्ट, अलाउ कर दो ब्लूटूथ, अग्री कंटिन्यू, ओके अभी हम लोग जा रहे हैं ब्लूटूथ ओपन करेंगे, स्कैन करते हैं कोई डिवाइस, ओ इससे तो ऑन तो किया नहीं हमने, तो इसके पहले बिफोर यू जस्ट ऑन इट, इसके पहले आप इसे बैलेंस कर लो, ठीक है अभी हम लोग इसमें मोबाइल लगा लेते हैं पहले, ये देखो मोबाइल लगाने के लिए दो साइड से आप खुल जाएगा ये, ओके ये रहा हमने मोबाइल लगा लिया, अब इसको ऑन करने के पहले आप इसे पहले बैलेंस कर लो, ये देखो हम लोग इसे पकड़ रहे हैं ये इधर गिर जा रहा है, ओके ये देखो आप हम लोग इसे, ये अपने आप गिर जा रहा है, पहले इसे हमें बैलेंस करना पड़ेगा ये देखो, तो अगर ऐसे आपका हो रहा है तो घबराओ नहीं कि अपने आप ठीक नहीं हो रहा है, इसे बैलेंस करना पड़ेगा, उधर यूजर मैनुअल में लिखा हुआ है, ओके तो ये देखो बैलेंस हुआ और अच्छे से बैलेंस करके फिर इस नॉब को टाइट कर देना है हमें, ओके बहुत ज्यादा भी टाइट नहीं करना भाई, हल्का सा टाइट कर दो, अभी ये देखो ये उल्टा है पर ये ऐसे होना चाहिए, अभी हम लोग इसे ऑन करेंगे, ओके तो ऑन करने के लिए आपको ये पावर बटन, ये रहा पावर बटन रेड कलर का, ओके सिंबल भी बना हुआ है पावर का, ये हमारा फोन ऐसे रहना चाहिए, ओके तो अभी ये पावर बटन हम लोग इसे दबाएंगे 3 सेकंड के लिए, 1, 2, 3, ये ग्रीन हो जाना चाहिए, हाँ ग्रीन हो गया, ग्रीन का मतलब ये अभी वर्किंग मोड में आ चुका है, एक्टिव है, ओके अभी ये जॉयस्टिक से हम लोग मोबाइल ऊपर करेंगे, मोबाइल का स्क्रीन ये देखो, जॉयस्टिक से हम लोग ऊपर करेंगे, ये ऊपर करने से ये नीचे जाता है, ओके नीचे करने से जॉयस्टिक मोबाइल ऊपर आएगा, ओके साइड में करने से लेफ्ट करेंगे तो राइट जा रहा है, राइट करेंगे तो लेफ्ट जाएगा, ओके अभी हम लोग एक बार कनेक्ट कर लेते हैं हमारे ऐप से पहले, हाँ आ गया स्टेबलाइजर A51C31, ओके तो हम उसे कनेक्ट करेंगे पेयर, अभी इसका फीचर्स सारा फीचर्स मैं बताने वाला हूँ आपको, माइक पहले ठीक कर लेते हैं, सारा फीचर्स बताने वाला हूँ मैं आपको, तो सबसे पहले तो मैं आपको इस पावर बटन का फीचर्स बताता हूँ, पावर बटन में 3 फीचर हैं, पहला फीचर तो ऑन ऑफ करने के लिए जिसको आपको 3 सेकंड तक दबा के रखना पड़ता है, दूसरा फीचर है अगर आप 2 बार दबाएंगे तो ये देखो ये फ्रंट कैमरे से बैक कैमरे में चला जाता है पावर बटन को, अगर पावर बटन को 2 बार दबाएंगे तो फ्रंट से बैक चला जाता है, अभी हम 2 बार और दबाएंगे 1, 2 तो ये देखो बैक से फ्रंट आ जाएगा, ओके और सेकेंड फीचर है, थर्ड फीचर है अगर आप 3 बार दबाएंगे तो ये कैमरे मोड में था अभी वीडियो मोड में आ गया, देख रहे हो रेड कलर का, अभी ये वीडियो मोड में अगर 3 बार दबाएंगे 1, 2, 3 तो ये कैमरे मोड में चला जाएगा, समझे, और पीछे एक बटन है जो कि इस बटन का काम करता है, ये जो व्हाइट बटन है इस बटन का, ये जो पीछे जो बटन है ये रहा, ये एक्चुअली क्लिक करने का होता है, तो देखो अभी हम दबाएंगे तो हमारा फोटो क्लिक हो जाएगा, ये देखो क्लिक हो गया, ये देखो क्लिक हो गया, ओके तो अभी हम एक बार वीडियो स्टार्ट करके दिखाते हैं, 1, 2, 3 तो ये वीडियो मोड में आ गया, अभी हम फिर उसी बटन को दबाएंगे पीछे वाली तो ये वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, ये देखो वीडियो बनना स्टार्ट हो गया, फिर एंड करना है तो फिर हम उसी को दबा के एंड कर लेंगे वीडियो, ये देखो एंड हो गया, ओके और उसके बाद जॉयस्टिक तो आपको पता ही होगा, जॉयस्टिक कंट्रोल करने के लिए लेफ्ट जाओ, लेफ्ट करोगे तो राइट जाएगा, राइट करोगे तो लेफ्ट जाएगा, अप करोगे तो डाउन जाएगा, डाउन करोगे तो अप जाएगा, ओके और इसका सबसे खास फीचर जिसका मतलब जिसको देख के मैंने मतलब सोचा कि हाँ ये लेना चाहिए और इतने अफोर्डेबल प्राइस में,
जो कि ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग कैसे करते हैं ये देखो, इधर एक बटन होगा ब्लूटूथ के बगल में, इसे आपको क्लिक करना है और ऑब्जेक्ट एक ह्यूमन बना होगा उस पर क्लिक करना है। तो देखो अभी मैं जिधर जाऊंगा, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग ऑन हो चुका है, मैं जिधर जाऊंगा कैमरा अपने आप घूमेगा। ये देखो, देख रहे हो, ये देखो मैं ऊपर जा रहा हूँ, देखो अपने आप ऊपर आएगा, मैं नीचे जाऊंगा अपने आप नीचे आएगा, ये भी देखो, देखा। और आप किसी भी मोड में हो, आप मोड बटन को यहाँ मोड लिखा हुआ है, मोड बटन को डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पास न्यूट्रल चला जाएगा जैसा स्टार्टिंग में था, एक दो, ये देखो, ओके, ये न्यूट्रल मोड में आ जाएगा मोड बटन को डबल क्लिक करने से। और ग्रीन बटन मतलब एक्टिव है अभी, इसके अगर रेड रेड जल रहा है, रेड ग्रीन, रेड ब्लू ऐसे करके जल रहा है, तो इसका मतलब हैवी ऑब्जेक्ट है ऊपर, तो मतलब मोबाइल थोड़ा लाइट रहना चाहिए, मोबाइल बहुत हैवी हुआ तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। और इसका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अच्छा है, लेकिन स्टार्टिंग में कनेक्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, मतलब जनरली कनेक्ट हो जाता है, मतलब हल्का, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये और ब्लूटूथ एक साथ ऑन करके ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, अगर एक बार कर लिए तो एक साथ ऑन करना है एकदम न्यू। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग ऑफ कर देते हैं, वैसे मैं देखो जिधर जाऊंगा उधर घूम रहा है, ये देखो मैंने ऑन कर दिया, ये देखो मैं इधर जाऊंगा तो इधर आएगा, इधर जाऊंगा तो इधर आएगा, तो मुझे ये काफी अच्छा लगा ये फीचर, ये काफी फायदेमंद है। अगर आपका कैमरामैन आपके साथ नहीं है तब आप अकेले भी अच्छे शूट कर सकते हो, कैमरामैन का जरूरत ही नहीं, आप जिधर जाओगे उधर जाएगा ये, ओके। तो हम लोग इसे ऑफ कर देते हैं। और हाँ गाइज, ये हमारा पहला वीडियो है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में, कुछ गलतियां हुई हो तो भी बताना, अगले वीडियो में उसे ठीक कर लेंगे। आपको इसका शॉट दिखाएंगे, कैसा शॉट आता है, कितना स्टेबल वीडियो आता है इससे, ओके। देख लो हम लोग दौड़ रहे हैं अभी, देखना वीडियो कैसा आता है, चढ़ रहे हैं, ओके। अभी हम लोग दिखाते हैं इधर से फुटेज, देखना कैसा वीडियो आता है, तुम्हें बताना कितना स्मूथ है। ये देखो अभी जूम करते हैं थोड़ा इसको, वीडियो कैसा आ रहा है भाई बताना कमेंट में जरूर। इधर देखो कबूतर, दो कबूतर, ये जूम करते हैं, ठीक है, स्मूथनेस कैसा है भाई कमेंट में बताओ, मुझे तो काफ़ी ठीक ठाक लगा, और इतने प्राइस में और क्या चाहिए भाई, 5500 उतने में मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो एक बार मेरे हिसाब से, वैसे मैं एंड में बताऊंगा कि आपको लेना चाहिए कि नहीं, ओके। सो चलिए, हाँ, इंस्टाग्राम, अगर मुझे मुझसे बात करना है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरा आईडी मैंने नीचे भी दे दिया है, ओके। तो सब्सक्राइब भी कर ही लेना इतना दूर तक आए हो तो, ताकि अगला वीडियो मिलता रहे आपको, और हाँ वीडियो कैसा लगे ये जरूर बताना। चलिए बाय रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।